के आगे बात जरा पुलिस की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामे की जानिब से पहले ही जो मन बना लिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर रिश्वत को ख़त्म करने के हवाले से कुछ इकदाम उठाए गए हैं और कई अफराद जो मुलविस पाए गए या रिश्वत लेते लेते रंगे हाथ उन्हें पकड़ा गया, एंटी करप्शन की जानिब से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और जिनके बारे में शिकायतें मौसूल हुई थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और अब माना जाता है कि चंद पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और 10 पुलिस अफसरान के खिलाफ ये कार्रवाई जराए के हवाले से खबर आ रही है कि 10 पुलिस अफसरान जिनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वजारत दाखला की जानिब से, जहां पहले ही उसे मंजूरी दी गई जिसके बाद ही जम्मू कश्मीर इंतजाम ने ये कार्रवाई की है और उन 10 अफसरान जो मुलविस पाए गए जिनके खिलाफ ये रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जिसमें हेड कॉन्स्टेबल से लेकर कुछ SP रहे, कह रहे हैं कि बड़े अफसरान हैं, 10 ऐसे अफसरान हैं हेड कॉन्स्टेबल से लेकर अफसरान तक जो मुलविस पाए गए हैं जिन्हें अब कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और जम्मू कश्मीर इंतजामी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान की जानिब से भी ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रिश्वत लेने या रिश्वत देने की कोई जगह नहीं है और रिश्वत को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए गए हैं और आने वाले वक्त में भी बहुत सारे इकदाम उठाए जाएंगे। फिलहाल 10 अफसरान पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला वजारत को भी एतमाद में लिया गया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर यह साफ कर दिया गया कि शिकायतें आई हैं 10 अफराद के खिलाफ जिनमें SSP रैंक का अफसर है, जिनमें ASP रैंक का अफसर है, DYSP रिटायर एक है और फिर उसके साथ साथ कॉन्स्टेबल, सीनियर कॉन्स्टेबल, जूनियर कॉन्स्टेबल्स हैं। इन तकरीबन 10 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए उसको बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी मिल चुकी है और प्रपोजल जो प्रपोजल मूव किया गया था उसे अप्रूव कर दिया गया है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ इनिशिएट करेंगी इंक्वायरी इन टर्म ऑफ सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अगेंस्ट द फॉलोइंग ऑफिशियल्स, जो उस चिट्ठी के अंदर लगाए गए हैं। यानी मैंने पहले ही कहा कि इन 10 लोगों के अंदर जहाँ SSP रैंक का अफसर है, ASP रैंक का अफसर है, रिटायर्ड DSP रैंक का अफसर है, फिर कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल और जूनियर कांस्टेबल्स हैं जिन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से रिश्वत सतानी में हिस्सा लिया है, रिश्वत को परवान चढ़ाने या कोई ना कोई करप्शन के केसेस इन पर हैं जिनको लेकर अब ये कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, सेक्शन 409, 468, 467, 471, 120 BIPC के तहत ये कार्रवाई जो है वो की जाएगी और EOW जो क्राइम ब्रांच श्रीनगर का है उनको उनकी तरफ से ये सिफारिशें की गई थी, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी कि कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इजाज़त दी जाए और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें एश्योर किया गया कि आप इंक्वायरीज़ को आगे बढ़ाएं। और ये जो ऑर्डर जब जारी किया गया, ये ऑर्डर जो है वो दाखिला वजारत को भी भेजा गया क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मामला है, इसलिए हर मामला जो है वो दाखिला वजारत से होते हुए जाता है। तो इस तरीके से करप्शन के खिलाफ बड़ी जंग में 10 लोगों को आइडेंटिफाई फिलहाल कर दिया गया जिन पर इल्जाम है कि किसी न किसी तरीके से ये करप्शन में मुलविस है। अब जब इंक्वायरियां मुकम्मल होगी तो पता लगेगा इन 10 अफराद में कौन दूध से धुला हुआ बाहर आएगा और कौन कीचड़ में लतपड़ अंदर पड़ा रहेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिलहाल पुलिस ने साफ कर दिया कि वर्दी के अंदर हो या वर्दी के बाहर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कानून अपनी कार्रवाई करता रहेगा।